हेलो डियर स्टूडेंट्स नाउ वी आर विद आर फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास टेंथ विच इज़ रियल नंबर्स रियल नंबर क्या होता है ऑल दो मैं ये क्लास नाइन्थ का जो लेक्चर नंबर वन है विच इज़ क्लासीफिकेशन ऑफ नंबर्स उसमें आप लोगों को अच्छे समझा चुका हूँ बट स्टिल एक बार हम लोग फिर से रिवाइज़ करेंगे द नंबर विच कैन बी रिप्रजेंटेड ऑन नंबर लाइन आर कॉल्ड रियल नंबर्स के ऐसे नंबर्स जिनको हम रियल नंबर लाइन पे रिप्रजेंट कर सकते हैं वो सारे कौन से नंबर होंगे रियल नंबर होंगे अगर इसको एनलार्ज करके देखें तो हमारे पास इस नंबर लाइन पे वन टू थ्री फोर अप टू सोन तो मतलब मेरे पास नेचुरल नंबर्स आ रहे हैं जीरो वन टू थ्री मतलब होल नंबर्स का ग्रुप भी आ गया इंटीजर्स भी नज़र आ रहे हैं अगर हम वन बाई टू को देखें तो वन बाई टू कैन ऑल्सो भी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन तो रैशनल नंबर्स भी आ रहे हैं और रूट टू को भी हमने लास्ट जो लेक्चर्स हैं सीरीज ऑफ लेक्चर्स उसमें नंबर सिस्टम में रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन भी हमने पढ़ा है तो इसका मतलब इरेशनल नंबर कैन ऑल्सो भी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन सो फाइनली रियल नंबर किन किन का ग्रुप हो गया ये नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स एंड इैशनल नंबर्स इन सभी का मरचब जो है वो रियल नंबर होगा अब रियल नंबर हमारे क्लास टेंथ का पहला चैप्टर है विच इज़ एन इम्पॉर्टेंट चैप्टर फ्राम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एज़ वेल एज एन टी एस सी पॉइंट ऑफ़ व्यू तो अगर हमें इस लेक्चर पर या इस चैप्टर पर कमांड बनानी है तो मेरा सजेशन होगा आप लोगों को कि आप लोग सबसे पहले क्लास नाइन्थ के कुछ वीडियोज़ मैंने यहाँ पर लेक्चर वाइज मार्क किए हुए हैं इनको जाके एक बार आप देखें इनको पढ़ने के दो बेनिफिट होंगे पहला बेनिफिट तो ये कि ये जितने भी लेक्चर्स मैंने आपको इस वीडियो में शो किए हुए हैं ये जो लेक्चर्स हैं ये ब्रिजिंग का काम करेंगे नाइन्थ टू टेंथ जिसमें हमको एकदम से ऐसा नहीं लगेगा कि कोई ऐसी चीज़ है जो हमने नाइन्थ में पढ़ी थी जिसको पढ़े हुए हमको बहुत टाइम हो गया और हमारे जो माइंड है उससे स्लिप हो गई है तो पहला फ़ायदा तो ये हुआ सेकेंड फ़ायदा ये हुआ इसका कि अगर हम इसको इस जो मैंने दिखाए हुए हैं इन लेक्चर्स की सीरीज को देखते हैं तो हमारे पास एन में जो क्वेश्चन आते हैं उसमें भी नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस कभी कभार एग्जाम में आते हैं तो दो फ़ायदा हुआ पहली ब्रिजिंग हो गई और सेकंड हमारे पास एन की प्रिपरेशन हो गई तो यहाँ पर रियल नंबर को पढ़ने से पहले मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप क्लास नाइन्थ वाला जो Uh, मैंने इसमें प्लेलिस्ट बनाई हुई है उसमें लेक्चर वन इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर में मैं, मैंने वेरियस टाइप ऑफ नंबर शो किए हुए हैं कि नेचुरल नंबर क्या होता है होल नंबर क्या होता है इंटीजर्स क्या होते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स नेगेटिव इंटीजर्स नॉन पॉजिटिव नॉन नेगेटिव प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर उसमें बताया हुआ है रैशनल नंबर क्या होता है इ नंबर क्या होता है ये सारी चीज़ें उसमें ढंग से समझाई हुई है तो अभी टाइम बचाने के लिए मैं सीधे सीधे आपको वहीं के लिए सजेस्ट करूंगा कि वहां पर जाइए और वहां पर ये लेक्चर देखिए सेकंड लेक्चर में मैंने वहां पर डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स बता रखा है जिसमें टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल को अच्छे से समझाया हुआ है फ्लो चार्ट के थ्रू तो वहाँ पर टर्मिनेटिंग भी मिलेगा नॉन टर्मिनेटिंग भी मिलेगा नॉन टर्मिनेटिंग में रिकरिंग और नॉन रिकरिंग मिल जाएगा रिकरिंग डेसिमल में हमने प्योर रिकरिंग भी पढ़ी थी वहाँ पर मिक्स रिकरिंग भी पढ़ी थी तो ये सारी चीज़ें वहाँ से जब आप पढ़ लेंगे तो आपको टेंथ में ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी रियल नंबर को समझने में फिर लेक्चर थ्री को भी आपको फॉलो करना है जिसमें कन्वर्जन ऑफ रिकरिंग डेसीमल इंटू पी बाई क्यू फॉर्म मैंने बताया हुआ है वहाँ पर दो मेथड मैंने पढ़ाई हुई है इसकी फर्स्ट वन इज़ लॉन्ग मेथड एंड नेक्स्ट वन इज डायरेक्ट मेथड लॉन्ग मेथड भले ही आप क्लास टेंथ के पॉइंट ऑफ व्यू से ना पढ़ें बट डायरेक्ट मेथड आई वुड सजेस्ट कि आपको ये समझनी चाहिए जिससे कि आप रिकरिंग डेसीमल से पी बाई क्यू फॉर्म में ईजिली uh, कन्वर्जन कर सकें अब इस पे भी एन में प्रीवियस ईयर पे क्वेश्चन आया हुआ है इसलिए मैं आपको ये पढ़ने की आ, बात कर रहा हूँ लेक्चर फोर भी आपको एक बार वहाँ पर पढ़ना होगा प्रॉपर्टीज़ ऑफ रैशनल नंबर जिसमें मैंने प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर बताई हुई है हमने पढ़ी थी उसमें कम्यूटेटिव लॉ एसोसिएटिव लॉ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मल्टीप्लीकेटिव यूनिवर्स एडिटिव यूनिवर्स ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर मिल जाएगी डिटेल में साथ साथ इसके इंसर्शन ऑफ रैशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर्स भी देखा था जिसकी भी हमने आ, तीन मेथड वहाँ पर देखी थी फिर एक लेक्चर सिक्स आपको वहाँ पर देखना पड़ेगा विच इज़ कॉन्सेप्ट ऑफ इराशनल नंबर जिसमें प्रॉपर्टीज़ ऑफ इरेशनल नंबर पढ़ाई थी और इंसर्शन ऑफ इराशनल नंबर बिटवीन रियल नंबर्स बताया था प्रॉपर्टीज़ में हमने बहुत सारी चीज़ें देखी थी जैसे रैशनल प्लस माइनस इैशनल इज ऑलवेज इैशनल इैशनल प्लस माइनस इेशनल इज इधर रैशनल और इैशनल रैशनल इंटू इरेशनल इज़ मे बी रैशनल मे नॉट मे बी इैशनल नॉन जीरो रैशनल इंटू इरेशनल इज़ ऑलवेज़ इैशनल नंबर इ रैशनल इन टू इैशनल इज मे बी रैशनल मे बी इैशनल तो ये सारी चीज़ें मैं आपको वहाँ पर अच्छे से समझा चुका हूँ डिटेल में तो मैं आपको यही गाइड करूँगा फर्स्ट लेक्चर में कि आप एक बार के लिए नाइन्थ के जो कुछ वीडियोस मैंने आपको मार्क किए हुए हैं ये जाके देखें अगर आप ये देखते हैं तो जो आगे मैं आपको समझाने वाला हूँ वो आपको बड़े तरीके से समझ में so, आ जाएगा सो हमने इस लेक्चर में देखा कि हमें नाइन्थ का क्या रिविज़न करना है और नेक्स्ट हमने देखा कि रियल नंबर होता क्या है तो बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन थी कि ऐसे नंबर्स जिनको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो रियल नंबर्स होंगे थैंक यू